Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to learn what is ESP32. ठीक है, मतलब ESP32 कैसे दिखता है, NodeMCU और ESP32 के बीच डिफरेंस क्या है, क्या क्या पिन्स अवेलेबल है ESP32 में, क्या क्या प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, एंड एक LED का प्रोग्राम ऑन करेंगे हम लोग ESP32 में. ठीक है, तो चलते हैं हमारा ब्राउजर में और चेक करते हैं ESP32 कैसे दिखता है. ठीक है, विल गो टू तो ES32 का बहुत सारा वर्सन है. जैसे NodeMCU का मेन जो आईसी था वो था ESP8266, उसका बहुत सारा भी वर्सन है, लेकिन हम लोग NodeMCU कंट्रोलर यूज कर रहे थे, NodeMCU डेवलपमेंट बोर्ड. यहां पे हम लोग ES32 डेव किट वर्सन यूज करेंगे, डेव किट का जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसको यूज करेंगे और उसका पिन अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे. तो बेसिकली उसका दो डेवलपमेंट बोर्ड है, एक है 36 पिन वाला और एक है 30 पिन वाला. आई थिंक मेरे पास जो अवेलेबल है वो 30 पिन वाला अवेलेबल है. आगे आगे मैं दूसरा ES32 का भी एग्जाम्पल लेके आपको डेमो दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये वाला हमारे पास अवेलेबल है, उसको अगर मैं ठीक है तो यहाँ पे देखो बहुत सारा GPIO पिन है. ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारा GPIO पिन है, तो 23 22 1 बहुत सारा है. देन आपको सपोज यूजर प्रोटोकॉल में काम करना है, जैसे NodeMCU में यूजर प्रोटोकॉल एक ही था, मतलब हार्डवेयर यूजर प्रोटोकॉल में एक ही था, एक सीरियल प्रोटोकॉल था, लेकिन सॉफ्टवेयर में हम लोग जितना भी चाहोगे उतना यूज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे दो यूजर प्रोटोकॉल दिया गया है, UART0 और एक है UART2. ठीक है, देन सपोज आपको I2C प्रोटोकॉल में काम करना है, देन I2C का भी अवेलेबल है, एक I2C अवेलेबल है. सपोज आपको SPA प्रोटोकॉल में काम करना है तो SPA प्रोटोकॉल के लिए भी यहाँ पे दिया होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो CL मिजो मोजी CL के एंड यहाँ पे SDK. ठीक है, यहाँ पे कोई भी पिन चिप सिलेक्ट चूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट चिप सिलेक्ट 0 ये है CS0 GPIO 5. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा ADC भी अवेलेबल है, जैसे कि ES32 में सॉरी NodeMCU में हमारा 1 ADC इनपुट पिन था, जैसे कि A0 था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है. यहाँ पे देख सकते हो ADC चैनल 1 0, चैनल 3 6 7, 14 5 8 9 7 6 5 4. ठीक है, ADC 1 का दिया गया है, यहाँ पे 2 का है. ठीक है, 1 और 2, तो बेसिकली 8 8 पिन 16 पिन ऑलमोस्ट आपको ADC चैनल मिल जाएगा. देन यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे देखो VCC ग्राउंड है, तो VCC में हमको 5 वोल्ट मिल जाएगा, जो ये हमारा VIN पिन है इसमें हमको 5 वोल्ट मिल जाएगा. और 3v3 में सपोज हमको 3 वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट, यहाँ से हम 3 वोल्ट ले सकते हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, सॉरी ये 36 वाला है, इसको हम लोग यूज करेंगे. उसका एक 30 पिन का भी आता है, अगर आप लाइक कोई भी दुकान में जा रहे हो इसको परचेस करने के लिए, या कोई भी वेबसाइट जा रहे हो परचेस करने के लिए, देन आपको दो तरह का ऑप्शन आ जाएगा, 30 और 36. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन परचेस द डेवलपमेंट बोर्ड. ठीक है, तो उसका प्रोग्राम पूरा सिंपल है, जैसे हम लोग आर्डिनो का प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे हम लोग NodeMCU का प्रोग्राम कर रहे थे, पूरा सेम प्रोग्राम रहेगा, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है. ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो ES32 इन आर्डिनो IDE. अभी क्या करेंगे, एक LED लेंगे और LED को ऑन ऑफ करेंगे. ठीक है, तो पहले जाएंगे हमारा आर्डिनो IDE में, यहाँ पे देखो आर्डिनो IDE, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पिन्स है. सपोज मुझे GPIO 23 में काम करना है. ठीक है, GPIO 23, 22 है, 1 है, 3 है. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा में, यहाँ पे देखो ये मेरा लाइक ES32 है. ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोग्राम करेंगे और यहाँ से GPIO 23 अवेलेबल है, तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. देखो D23 लिखा है, D22 लिखा है. ठीक है, देन RX0 TX0 D21 इस साइड, इस साइड. ठीक है,
और इस साइड में हमारा एनालॉग का भी दिया हुआ है, इस साइड में कुछ एनालॉग पिन भी दिया गया है, ठीक है। और इसको प्रोग्राम करने के लिए ना, जैसे नोड एमसीयू हम डायरेक्ट प्रोग्राम अपलोड करते थे, प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन इसको प्रोग्राम करने के लिए हमको थोड़ा लाइक ट्रिक चाहिए। क्या है, जब आप प्रोग्राम करोगे देन बूट बटन को, यहाँ पे देखो एक बटन है बूट और यहाँ पे एक बटन है रिसेट, यहाँ पे आप देख सकते हो बूट और रिसेट, ठीक है, EN लिखा हुआ है। तो ये जो बूट बटन है, जब प्रोग्राम अपलोड हो रहा होगा देन आपको ये प्रेस करके रखना है, एक बार प्रोग्राम अपलोड हो गया देन रिसेट प्रेस करना है, मतलब एनेबल प्रेस करना है तो प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो दो चीजें, फर्स्ट जब प्रोग्राम अपलोड करेंगे देन बूट को प्रेस करेंगे, जब प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा देन एनेबल को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो LED कनेक्ट करेंगे GPIO 23 में कनेक्ट करेंगे, तो चलते हैं अभी प्रोग्राम करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा जो LED कनेक्टेड रहेगा कौन सा पिन में कनेक्टेड रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 23 पिन में हम लोग LED कनेक्ट करेंगे, तो उसको डिक्लेयर करेंगे पिन मोड 23 कमा आउटपुट। क्यों आउटपुट लिखा, क्योंकि LED जो है मैं उसको आज आउटपुट डिवाइस यूज कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, नहीं तो आप चाहोगे तो LED को आज इनपुट भी यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग सोलर ट्रैकिंग यूज करते हैं और वहां पे LDR कनेक्ट करते हैं, तो LDR का काम क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट पड़ेगा देन वहां पे कुछ करंट इंड्यूस होगा, मतलब एक कुछ सिग्नल आएगा देन उसको लेके हम लोग यूज कर रहे हैं गेट करने के लिए कि कितना लाइट का लुमिनस है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग सोलर पैनल को मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। अगर LDR जगह LDR को हटा के मैं अगर चाहूंगा LED को कनेक्ट करने के लिए देन वो भी कर सकता हूँ, लेकिन LED का जो इनपुट रहेगा ना बहुत मिनिमम रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ LED सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करके एक सेंसर बनाना पड़ेगा और वो डेटा को लेके आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग का वो अभी जो लाइक सिनेरियो है हम लोग वो यूज नहीं करें, हम लोग नॉर्मल क्या है, हमारा हमारा अभी का जो कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली LED को ऑन ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ करूंगा मतलब वो क्या करेगा, आउटपुट दूंगा, राइट। अच्छा, आउटपुट डिवाइस में उसको यूज करूंगा, तो यहां पे लिख लिया पिन मोड 23 आउटपुट, ठीक है। पिन मोड क्या है, पिन मतलब कौन सा पिन है उसका मोड क्या है, मोड मतलब आउटपुट है और इनपुट है, कौन सा पिन है हमारा 23, आउटपुट है कि इनपुट है, आउटपुट है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी LED को ऑन ऑफ करना है, ऑन करने LED को ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आइदर ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा, ऑन मतलब वन, ऑफ मतलब जीरो, तो 10 मतलब क्या है, बाइनरी, बाइनरी मतलब क्या है, डिजिटल। तो अभी मैं LED को आज डिजिटल आउटपुट ले रहा हूं, अगर आप चाहोगे LED को आज एनालॉग आउटपुट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मुझे LED का ब्राइटनेस कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, ओनली ऑन ऑफ कर रहे हैं, सपोज मुझे ब्राइटनेस कंट्रोल करना है देन आई कैन गो फॉर एनालॉग राइट, ठीक है। अभी क्या करूंगा, पहले लिखूंगा डिजिटल, ठीक है, अभी डिजिटल करूंगा मतलब 1 और 0 करूंगा, ऑन ऑफ करूंगा डिजिटल। अभी क्या करूंगा, सपोज मैं माइक्रो कंट्रोलर हूँ, हम जो सोचेंगे माइक्रो कंट्रोलर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, LED और जितने भी सारे लाइक पेरिफेरल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम लोग ओनली LED के लाइक रेफरेंस से लाइक गेट करेंगे डेटा को, माइक्रो कंट्रोलर के रेफरेंस से। तो मैं सपोज माइक्रो कंट्रोलर हूँ, मैं अभी LED को ऑन ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा मतलब क्या करूंगा, उसको 1 सेंड करूंगा, ऑफ करूंगा मतलब 0 सेंड करूंगा, ठीक है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर डेटा सेंड करेगा किसको, LED को, राइट। तो सेंड मतलब क्या है, राइट है, राइट करेगा, अगर वो गेट करेगा मतलब एक स्विच है, स्विच से वो डेटा गेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो स्विच का डेटा क्या है, आइदर 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा, आइदर स्विच ऑन है नहीं तो स्विच ऑफ है, 1 0 मतलब क्या है, डिजिटल। तो अगर मैं डिजिटल सेंसर लाइक इंटरफेस कर रहा हूँ देन आई कैन राइट डिजिटल रीड, लेकिन मैं जब आउटपुट सेंसर इंटरफेस कर रहा हूँ डिजिटल आउटपुट, तो उसको क्या लिखूंगा, डिजिटल राइट, ठीक है, डिजिटल राइट। देन कौन सा पिन नंबर है, मैं कौन सा पिन में कनेक्ट किया हूँ, 23, ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा, आइदर 1 लिख सकता हूँ नहीं तो 0 लिख सकता हूँ, अगर 1 करूंगा तो ऑन होगा, अगर 0 करूंगा देन ऑफ होगा। ये जो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप ना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेरा आर्डिनो नोड एमसीयू सीरीज में, ठीक है, और एक बार बता देता हूँ, वॉइड लूप बेसिकली क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम को रिपीटेडली लाइक रन करना चाहते हो तो वॉइड लूप में लिख सकते हो,
जब हम सी प्रोग्रामिंग ये सारी चीज करते हैं ना, जब आर्डिनो नहीं था, आर्डिनो नहीं था उस टाइम पे क्या था, हम लोग आटमेल, आटमेल का कंट्रोलर ना, पी कंट्रोलर, नहीं तो एआरएम कंट्रोलर, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। एआरएम का जो प्रोसेसर लेके LPC 2148 हो गया, नहीं तो पीक हो गया, नहीं तो ATMEGA 8, ATMEGA 16, ATMEGA 32, जितने भी सारे हम लोग कंट्रोलर यूज कर रहे थे वो बेसिकली सी प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम लिखते थे। तो सी प्रोग्राम में, नहीं तो असेंबली लेवल में, तो मैं सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब भी कोई आप चीज को इनिशियलाइज करते हो तो वन टाइम होगा, तो वन टाइम करेंगे तो हम नॉर्मल लिखेंगे। जब सपोज हम कोई एलईडी को रिपीटेडली ऑन ऑफ करना है या जो भी करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इनफाइनाइट लूप में डालना पड़ता था। तो इधर वाइल वन हो गया, नहीं तो फॉर विदाउट एनी इंक्रीमेंट और कंडीशन वगैरह, उसके अंदर हम लोग डेटा भी लिख सकते हैं। हम लोग उसमें वो सी प्रोग्राम में करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी प्रोग्राम नहीं, ये उसका कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका फ्रेमवर्क है। तो उसमें क्या दिया गया है, सेटअप एक है और एक लूप। सेटअप में क्या होगा, जो चीज आप लोग इनिशियलाइज करोगे वो सेटअप में करेंगे, और जो चीज आपको रिपीटेडली करना है, लाइक एलईडी को रिपीटेडली ऑन ऑफ करना है, तो उसको क्या करेंगे, वॉइड लूप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसको मैं सेव कर दूंगा, फाइल सेव आज एलईडी, ठीक है, एलईडी के नाम पे सेव कर रहा हूँ। और इसका जो कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब में, और गिटहब से डाउनलोड करके आप लोग लाइक सपोज कुछ रेफरेंस लेना चाहते हो वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पहले जाएंगे टूल्स, टूल्स में अभी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड सिलेक्ट नहीं करेंगे तो देन वो किसके लिए कंपाइल करेगा, मतलब आर्डिनो जो आईडी है किसके लिए कंपाइल करेगा हमको। ठीक है, अभी क्या करूंगा, बोर्ड जाऊंगा, बोर्ड्स में US32 आर्डिनो, देन यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ डेवलपमेंट बोर्ड वो है डू इट US32 डेव किट। ठीक है, आपके लिए मैं भी कुछ अलग होगा, आप वहां से चूज कर सकते हो, चूज कर लिया। अभी क्या करूंगा, टूल्स पोर्ट, पोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हूं। लेट मी कनेक्ट द डिवाइस, ठीक है, और ये मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूं। तो देखो मैं एक ब्रेडबोर्ड लेके नोड एमसी को कनेक्ट कर लिया, सो दैट आपको, सॉरी US32 को कनेक्ट कर लिया, सो दैट आपको थोड़ा इजी होगा। और मैं लैपटॉप में अभी कनेक्ट कर लिया, चलते हैं हमारा टूल्स में, टूल्स में पोर्ट, पोर्ट अभी कॉम पोर्ट सिलेक्टेड है। अभी प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, तो सिंपली अपलोड बटन प्रेस करो। तो यहां पे देखो जब ये अपलोडिंग लिखेगा ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बूट बटन को प्रेस करना है। ठीक है, अगर अपलोड खत्म हो गया देन हम लोग इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहले कंपाइल करेगा। हाँ, और नोड एमसीयू में जो कंपाइलिंग थोड़ा स्लो हो रहा था नोड एमसीयू बोर्ड को कंपाइल करने के लिए, ES32 में बहुत फास्ट होता है, आपको लाइक उतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा कंपाइलिंग के लिए, लेकिन अपलोड ऑलमोस्ट सेम टाइम रहेगा। देखो अभी डायरेक्टली अपलोड हो गया, कभी कभी जब अपलोड नहीं होगा देन आपको बूट बटन प्रेस करना है, याद रखना कि यह अभी मेरा डायरेक्ट अपलोड क्यों हुआ, क्योंकि यह डेवलपमेंट बोर्ड को मैं बार बार मेरा लैपटॉप में लाइक अपलोड कर चुका हूँ, तो इसीलिए वो डायरेक्ट हो रहा है। अगर आपका नहीं हो रहा है अपलोडिंग, ऐसे डॉट 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 करके ऐसे प्रेस स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर ऐसे आ रहा है देन आपको बूट बटन को प्रेस करना है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी देखो प्रोग्राम अपलोड हो गया, अभी एलईडी कनेक्टेड नहीं है इसीलिए एलईडी नहीं चल रहा है। तो एलईडी का कनेक्शन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर आप नहीं जानते हो तो जाके आर्डिनो का वीडियो देख सकते हो, और एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ, ESP32, ES32 एलईडी कनेक्शन। यहाँ पे देखो ये वाला इमेज देखो,
तो बेसिकली एलईडी का पॉजिटिव है क्या है और नेगेटिव है। पॉजिटिव में वो क्या कनेक्ट किया है, पॉजिटिव में ये वाला पॉजिटिव देखो रजिस्टर के थ्रू लेके कनेक्ट किया है एक पर्टिकुलर पिन में। तो हमारा जो पिन है वो क्या है, D3 है। तो हम लोग एलईडी का पॉजिटिव लेके D3 में कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव जो है रजिस्टर के थ्रू हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। तो मेरे पास एक एलईडी है, एलईडी का पॉजिटिव मैं पिन नंबर 23 में कनेक्ट किया। ठीक है, और जो ग्राउंड रजिस्टर है, रजिस्टर ग्राउंड में कनेक्ट करके लेके ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखो रजिस्टर में कनेक्ट कर लिया और एलईडी जल रहा है। रजिस्टर एलईडी क्यों जल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोग्राम अपलोड कर चुका हूँ उसी लिए जल रहा है ये। अगर मैं रिसेट बटन प्रेस करूंगा देन वो देखो ऑफ होके फिर ऑन हो रहा है। अगर सपोज जो प्रोग्राम है उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, बूट देन रिसेट, देन बूट रिलीज करना है देन रिसेट को। ठीक है, बूट रिसेट देन रिसेट को रिलीज देन बूट को रिलीज, अभी प्रोग्राम डिलीट हो गया। अगर फिर आपको वापस लाना है देन ओनली रिसेट बटन को प्रेस करते हो तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है एलईडी ऑन है, तो सपोज मुझे एलईडी को 5 times ऑन करना है और 5 times ऑफ करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और यहां पे इसको कमेंट कर देता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर लूप ले लेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0। ठीक है, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, उसके अंदर हम क्या करेंगे डिजिटल राइट कर देंगे। जो क्या बेसिकली क्या प्रोग्राम लिखा, तो एक वेरिएबल लिया आई, उसको 0 से 5 तक इंक्रीज करते करते जाऊंगा और उसके अंदर क्या लिखूंगा एलईडी को ऑन करने के लिए। अभी एलईडी ऑन हो जाएगा लेकिन ऑफ नहीं होगा, अगर ऑफ नहीं होगा तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कितने बार ऑन हुआ और कितने बार ऑफ हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिटल राइट 23, 0, मतलब यहाँ पे एलईडी ऑफ हो जाएगा। लेकिन कितने टाइम के लिए ऑन होगा और कितने टाइम के लिए ऑफ होगा वो तो हम उन लोग नहीं लिखे हैं, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, डिले सपोज 500, तो 500 मिली सेकेंड तक एलईडी ऑन रहेगा, उसके बाद डिले 500 मिली सेकेंड तक ऑफ हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, फॉर 5 times एलईडी ऑन एंड। ठीक है, अभी देखो कंपाइलिंग चल रहा है, कनेक्टिंग अपलोडिंग चल रहा है, अभी अपलोड हो गया 2, 3, 4, 5 times हुआ। और एक बार देखते हैं, बूट को प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर मुझे इनफाइनाइट लूप तक जाना है तो क्या कर सकता हूँ, ये जो फॉर है यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा, मतलब कोई भी कंडीशन और इंक्रीमेंट और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा, तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये जो फॉर लूप का प्रोग्राम है ऑलरेडी फॉर लूप में दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे, देन ठीक है, अगर इसको अपलोड करेंगे तो एलईडी 5 times ऑन ऑफ होगा। ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट लूप के लिए ऑन ऑफ होगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको कैसे पता चलेगा 5 times कब तक हुआ और इनफाइनाइट कब तक हुआ, तो यहां पे डिजिटल राइट 23, 0, तो जब ये ऑफ हो जाएगा देन डिले दे देता हूं, डिले ऑफ 2 seconds। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या किया, यहां पे 5 times एलईडी ऑन ऑफ होगा, उसके बाद 2 seconds के लिए ऑफ रहेगा, देन
एवरी 500 मिली सेकेंड में एलईडी ऑन ऑफ होते रहेगा, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि फॉर लूप कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब कब यूज हो रहा है, और डिजिटल राइट कब, ये फॉर लूप कब यूज हो रहा है। ठीक है, अभी अपलोड चल रहा है, डन। यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 2 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा, देन ऑन। ये जो अभी जो ऑन ऑफ होगा वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट लूप के लिए ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम, हाउ वी कैन कंट्रोल एलईडी थ्रू ES32 डेवलपमेंट बोर्ड। तो आगे आगे हम लोगों का और भी वीडियो आएगा, जैसे स्विच कैसे इंटरफेस करेंगे डिफरेंट कंट्रोल, लाइक आईसी कैसे इंटरफेस करेंगे, डिफरेंट सेंसर कैसे इंटरफेस करेंगे, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम कैसे यूज करेंगे, वो सारा का सारा हम लोग एक के बाद एक करेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट है प्लीज कमेंट में बताओ, सो मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।